एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कहाँ आए हैं और पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे सुंदर नर्सरी के लिए, लेकिन हम उनके कमेंट से नहीं, हम यहाँ आने ही वाले थे। हमारी इल्मा का सब बचपन का सपना था यहाँ आने का, तो हम आ गए हैं सुंदर नर्सरी। यहाँ पे सब कुछ अलाव है, तो लाना हम पूरा पिकनिक का सामान लेकर आए और इल्मा का बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी हम यहीं मनाने वाले। कैश काउंटर हमारे साथ, गाइस एक स्कैम हो गया, हमारे साथ एक स्कैम हो गया, छुपा लेते और यहाँ तो अंदर आके अलग ही माहौल। तो हमारे जो बैडमिंटन हम लेकर आए थे ना खेलने के लिए, वो रख लिए, जब्त कर लिए गए हैं। और आज देखो सारी अनारकली बन के निकली हैं। आज स्पेशली मतलब इल्मा का हम बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मनाने आए हैं, इसका बड़ा मन था यहाँ पे कब बर्थडे मनाया जाए, तो हमारा केक भी है हमारे साथ, मतलब हमारा नहीं इल्मा का, ओनली ओन। यहाँ पे जो एंट्री फीस है ना वो अडल्ट की 50 रुपए है, 50 रुपीज, और जो बच्चे हैं लाइक दिस इनके 25 रुपए, 75 रुपीज हमारे टोटल लगे हैं चारों के। ओके नाइस, यहाँ पे बिछा सकते हैं क्या? फ्लावर्स नहीं जोड़ सकते। कैसा लग रहा है सिमी? बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल जगह है। सब लोग बोल रहे थे सिमी बहुत बोलती है। बिल्कुल भी नहीं बोलती, किसने बोला है ना सिमी बड़े होके यूट्यूबर बन सकती है, वो बहुत अच्छा था। अपनी तारीफ किस कैसे पसंद आ रही है। थैंक यू, वेलकम। अच्छा पिकनिक स्पॉट लग रहा है ना मुझे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे खाना लाना अलाउ है, तो हम पूरा एकदम अच्छे से हम क्या क्या लेकर आए हैं वो हम दिखाएंगे। यहाँ पे भी बैठे हैं लोग चादर पादर ला के, हम भी लेकर आए हैं ये। हम नदी के पास चलते हैं। हमारी इल्मा और हिबा अनारकली बन के आई हैं। इल्मा के बाल देखो, लेकिन आज इल्मा का स्पेशल डे है ना, इल्मा स्पेशल केक, और ये बिल है मेरे हाथ में। ओके यहाँ का जो वाओ यही है ना वो बहुत फेमस। ओके नाइस, वेरी ब्यूटीफुल यार। छुपा लेना, हिबा कह रही है हमें बैडमिंटन छुपा लेना चाहिए था। कैसे छुपाते? छोटा सा बैग है, बैग के अंदर या दुपट्टे कहीं, उन्होंने इतना कुछ चेक थोड़ी किया, बस उन्होंने हाथ में देख लिया। चलो कोई बात नहीं, और भी अच्छी चीज वो है। अच्छी लोकेशन मिली है, देखो हम इसके पास, ये रिवर जो है छोटा सा पानी का, इसके पास हम यहाँ बैठेंगे। ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। देखो घर से ना हमारे आने में, क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमारे मूड कैसी की तैसी हो जाती है, लेकिन जहाँ अच्छी जगह होती है ना वहाँ आकर मूड एकदम रिफ्रेश सा हो जाता है। और आज मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बस मेरी दुआ है कि बारिश ना हो जाए, बारिश हो गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। ओहो हमारा पिकनिक का स्पॉट तैयार हो रहा है, तैयारी। देखो कितनी प्यारा व्यू है यहाँ पे दोनों तरफ ऐसा, और ये मुझे ऐसा लगता है बार बार हमें कह रहे हैं इल्मा कितनी अच्छी लग रही है तू, ये ले केक। इतना थोड़ी होता है। इल्मा का केक ऐसा लग रहा है चादर से तो हम घर ही आए हैं। वाओ यार ब्यूटीफुल व्यू। हम बैठ गए गाइस, और कितनी अच्छी लोकेशन मिली है ना, इधर भी फूल, इधर भी कलियां, और इधर किधर फूल, हरा फूल, सफेद फूल, लेमन येलो फूल। अभी बता दो कौन सा फूल हूँ मैं। काला फूल, ब्लैक फूल। नहीं, नहीं अच्छा है, बढ़िया है, एक ही बार आता है वो चीज। यूट्यूबर की बहन है, दोबारा आ जाता है। इल्मा कैसा लगा केक? अच्छा है ना? लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठी है तू। सिमी स्माइल तो कर ले, वो अच्छा आ रहा है ना, फोटो अच्छा आएंगे। यही बात, देखो पूरी एक्साइटमेंट के साथ कोल्ड ड्रिंक्स निकालती हुई। इनके तो मजे आ गए आज। ओ वाओ, और इसमें हमारी बिरयानी, चिकन बिरयानी जो अम्मी ने हमें बना कर दी है। प्लेट्स भी लाए हम घर से, कांच वाली डिस्पोजल लाने ही भूल गए थे। अच्छा लग रहा है, और कितनी मेहनती सी हवा चल रही है, बहुत ही क्यूट है, क्यूट, बहुत प्यारा मौसम है। इल्मा का बड़ा मन था यहाँ पे आने का, सुंदर नर्सरी। पता नहीं कब से कह रही थी, मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप का नाम बनाया था, क्या सुंदर नर्सरी का सपना कभी सच हो पाएगा। मतलब इल्मा की फ्रेंड्स, इल्मा अपने फ्रेंड्स के साथ आने वाली थी, कल इतनी गंदी बारिश हुई है ना, मतलब ओले भी बरसे हैं, और परसों से हमारे क्या पैरों में इतना दर्द है, हम कितना खेले थे उसकी वजह से इतना ज्यादा दर्द हो रहा है पैरों में। अब हम ना अपना थोड़ा सा खाना पीना कर लें, ताकि मूड थोड़ा और अच्छा हो जाए और रिफ्रेश हो जाए।
चलो केक, केक का हम सोच रहे थे कि नहीं लेंगे, फिर हमने सोचा कि यार इसका मन है। हाँ इल्मा का बर्थडे, अच्छे से स्माइल तो कर, देख केक को आराम से। चलो लाइक थोड़ा सा प्रिंसेस वाला वो दे देते हैं। टन 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 टन। चलो मोमबत्तियां जलाने का कुछ सिस्टम है? फिर एवं 10 रुपए खर्च करवाया मेरे मोमबत्ती में। केक के साथ कैंडल तो फ्री देनी चाहिए ना, बताओ कैंडल। अरे मैं तो हमेशा फ्री लेकर आती हूँ, और मैं तो ये नहीं, ये भी है हमारे काम आ जाती है, वो भी फ्री, और तुम नहीं दिया यार, नहीं लेकर आ पाई। चलो गाइस, जो इल्मा है हमारी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गर्ल, वैसे मार्च चल ही रहा है, अभी अभी गया नहीं है, बर्थडे मंथ तो चल ही रहा है इसका, तो अभी अभी इल्मा का केक काटने जा रहे हैं। और इल्मा के मतलब क्या सपने वाले स्पॉट पे सुंदर नर्सरी में केक कट रहे हैं। चलो सुंदर नर्सरी बहुत सुंदर है सच में, मतलब जो भी होता है ना अच्छे भी होता है। आज मैं हाँ, और प्लीज बारिश मत करना, मौसम गाइस ऑसम, प्लीज बारिश मत करना कल की तरह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इल्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत अच्छा इल्मा खाला का बर्थडे, और हम यहाँ इतनी सुंदर जगह, और आप भी बहुत सुंदर लग रही हो आज, जो बात है वेरी ब्यूटीफुल। चलो हम थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। ओके माशाल्लाह, बन रही है ना गाइस, बिरयानी 60 SPF करने में ना वो पूरा नहीं दिखता, वाइड एंगल नहीं दिखता है ना। आई डोंट नो, थैंक यू। हम इतना एंजॉय कर रहे हैं ना यहाँ पे खाना, बहुत ज़्यादा खाना कुछ भी हो लेकिन खाने में भी बिरयानी है तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हम जगह पे इतने अच्छी बैठे हैं ना, है ना, इधर फ्लावर, इधर फ्लावर, वहाँ फ्लावर, और यहाँ पता है मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, वो प्रिंसेस नहीं होती थी छोटी छोटी, वो प्रिंसेस वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे, वो आकर पिकनिक करती थी ऐसे, वो वाली प्रिंसेस। अरे कोई नाम बताओ ना उसका सीरीज का, सिंड्रेला। हाँ इस टाइप की सिंड्रेला, सिंड्रेला वाली, ऐसे पिकनिक स्पॉट, प्यारा प्यारा सा क्यूट सा स्पॉट जहाँ हम बैठे हैं, मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त है यार, यहाँ आप आओ। अच्छा मेट्रो से कैसे आ सकते हैं लोग इल्मा, खुद देख लेना। मेट्रो स्टेडियम से 7 मिनट, जेएलएन मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पे, अगर आप मेट्रो से आते हैं। इसे खा लो। हम तो यार कैब से आ गए क्योंकि हम बहुत आलसी हैं। नहीं वैसे हमारे पास बहुत सारा सामान था ना, और कैब में ज्यादा कन्विंस भी नहीं लगा। चार, अगर आप 4-5 लोग हैं ना तो फिर आप कैब प्रेफर किया करो, अगर आप 4-5 लोग आ रहे हो, क्योंकि उतना ही खर्चा हो जाता है यार जितना उससे आता है। यार आप जरूर आओ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, पूरा लंच वंच लेके, पूरा पिकनिक विकनिक लेके, मजा आ गया। अब रख लो जल्दी जल्दी, मुझे लग रहा है कि बारिश के आसार हैं, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं, अगर हो भी गई तो। सब लोग यार पिकनिक विकनिक मना रहे हैं, देख रहे हो कितना अच्छा प्यारा माहौल है, देख रहे हो ना गाइस, देख रहे हो ना गाइस। पैक कर लिया है क्योंकि पता है इल्मा के पैर पे एक बूंद टपकी है बारिश की, और हमें भी आवाजें आ रही हैं बारिशों वाली आवाजें, और कल में भी मुझे कहीं जाना पड़ेगा। किस किस के पैरों में दर्द हो रहा है परसों वाला? मेरे बहुत ज्यादा, मेरे भी। इल्मा की फ्रॉक देखो, नई फ्रॉक पहनी है इसने, पीछे जा थोड़ी सी, अच्छी लग रही है ना। चलो अभी ले दूंगी मैं, हमने सारा कुछ पैक कर लिया है, खा लिया है हमने, और अम्मी ने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई थी, आई लव यू अम्मी। इल्मा का शूट चल रहा है यहाँ पे, जो इसका इसका मन होता था बहुत ज़्यादा, पीछे से दिखा इसने, देखो ये फ्लावर यहाँ की नहीं है, हम घर से ही लगा कर आए थे। अच्छा आ रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कहाँ जहाँ जहाँ हम बैठे थे आज, ये मतलब ये मैं इसकी फोटोग्राफर हूँ और ये मेरी मॉडल है। अरे सामान तो बेटा ये तो समेटो, चादर तो तय करो, बहुत हो गया अभी फोटो वोटो, रुक जा। पता चला हम भीग ही गए यहाँ पे, बारिश हुई तो हम कहाँ जाएंगे यार, बारिश हो रही है ये देखो। ओए साहब हम अंदर आ गए, बारिश होने लगी और हम अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए, हो गया शूट, बारिश होते होते अभी नहीं हो, अभी और कराना है स्विमिंग। वीडियो बना
दादी मेरे यहाँ पे। वैसे बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश हो रही है, धीमी धीमी। और लोग छतरी भी लेके आए हैं, हमें नहीं पता था बारिश हो जाएगी, कल का तो था यार। सिमी सिमी अच्छी लग रही है ना मेरी? गाइस यहाँ बहुत मजा आ रहा है, लेकिन एक कमी है, बारिश क्यों हो रही है? बारिश नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है बारिश भी हो रही है तो। हाँ। हमने अपना खा लिया पी लिया, उसके बाद बारिश हुई है। देखो कितना, मतलब अल्लाह से दुआ कर दी थी कि मैं ऐसा ना हो और ऐसा ही हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ, खाते खाते बारिश नहीं हुई कम से कम। इतना अच्छी अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस बन गई है ना, पता नहीं इनका, इनको आज मेरी मेरी आत्मा आ गई इनके अंदर, और इनको देखो फ्लॉन्ट कर रही है ये। अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके, सच में दिल खुश हो गया, दिल खुश प्लेस। हमने ना सामान अपना वहाँ पे उसके अंदर छोड़ दिया, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम अंदर चले गए थे, तो एक आंटी के पास मैंने छोड़ दिया है। फिर वो कह रही है अगर किसी ने कोई ले गया तो, मैंने कहा हमारा हुआ तो हमें मिल जाएगा, हमारा नहीं हुआ तो हम नहीं मिलेगा। और क्या ही उसमें, खाना पीना ही तो है, चादर है, बेडशीट्स है, हमारे प्यारे प्यारे से टिफिन प्लेट्स हैं, मिल जाएगा ये बात है ना, भरोसा है, भरोसा है मुझे। चलो अरे यहाँ पे भी हमने फोटो ले लिया है, मजेदार वाला अच्छा फोटो आया। ये देखो आज हमने कुछ खेला नहीं, खेलने का मतलब यहाँ पे हम पूरे कलियाँ बन के आए थे ना आज, पूरी फ्रॉक फ्रॉक पहन के अनार कलियाँ, तो फिर हमने खेला वेला कुछ नहीं। उस दिन हमने बहुत खेला था, यहाँ पे भी खेल सकते थे, लेकिन अपना पूरा वो हो गया, बारिश बारिश का कोसा कोसा सा मौसम हो गया है। और ये देखो डॉगी, लोग अपने डॉग्स भी लेकर आ सकते हैं यहाँ, फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, पता नहीं हमने क्यों एक ही तरफ इतना सारा टाइम, इतना सारा वक्त बिता दिया। नर्सरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो पूरी नर्सरी एक्सप्लोर तो नहीं कर पाएंगे हम शायद, क्योंकि हम इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, इतने फोटोज इतने वीडियोस ले लिए हैं हमने। चलते हैं, आपको भी बहुत दिखाते मजा आ रहा है, प्लीज कोई मेरे लिए नेगेटिव कमेंट मत करना। सिम्मी का कहना ये इसलिए है क्योंकि सिम्मी के लिए सब कह रहे थे, सिम्मी बहुत बोलती है, नहीं बोलती, अलग नेचर होता है बच्चों का, इसका थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि ये ना बहुत ज्यादा वो है, बोल्ड है, मतलब यू नो किसी भी कैमरे पे स्पेशली बोलने के लिए मैं कभी कभी ऐसे हो जाती हूँ, लेकिन ये नहीं होती। तो लोग कह रहे थे सिमी भी फ्यूचर ब्लॉगर है शायद, पर वो सब बाद में, हाँ इसका शौक है लेकिन वो सब बाद में, अभी सिमी को पढ़ाई करनी है। मन के बात बोल दी। अभी सिमी को पढ़ाई करनी है। देखो गाइस वहाँ पे लेक है, और हम जिसको समझ रहे थे वो नहीं था यहाँ लेक में, कहाँ है वो? ये सिमी आराम से बेटा, आराम से देखो ना, लोग कितने अच्छे से पिकनिक विकनिक मनाते हैं यार। देखो देखिए उन्होंने कितना अच्छा से अरेंजमेंट करके वो किया हुआ है। तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं, और यहाँ पे देखो कितना अच्छा, हा 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 हा। यार को इस पानी को टच करना है। नहीं बेटा अगर तू गिर गई तो मम्मा को क्या जवाब दूंगी मैं? पापा वैसे कह रहे मेरी बेटी को भेज दो, टच करूं? नहीं नहीं टच नहीं करना। अच्छा आपने पहचान लिया, साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हमें ऐसे लेकर चलना पड़ता है सामान सारा, पर ठीक है, इसका भी अपना अलग मजा है खाने पीने का लेकर आना। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है यार। मेरे भी एक सब्सक्राइबर भी मिल गए थे अभी यहाँ पे, क्या वर्षी मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ है, अरे वाह वेरी नाइस। मेरी चप्पल तो मुझे लग रहा है अब साथ छोड़ देगी मेरा, इस चप्पल को मैंने इतना घिस लिया है ना। फिर से अपना कब्जा बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पानी के पास हम यहाँ बैठेंगे। अब यहाँ से दिखाती हूँ, सिमी बैठ जाओ चप्पल उतार के। यहाँ लेक के पास बैठे हैं एकदम, क्या कहते हैं इसको, फाउंटेन, हाँ जो भी बोलते हैं, फुआरा हिंदी में, आप बताना कमेंट करके। हम फिर से बैठ गए, केक खा ले, देख केक बिगड़ा तो नहीं, लेकिन हमें क्या किसी के अंदर खाना पड़ेगा, हाँ इसी के अंदर निकालना नहीं है। अब आ गई वो वाली धूप, अभी नहीं आई पर धूप आ गई, मतलब आसमान खुल गया। चले बस, हमने यहाँ गाइस हमने यहाँ आने का यही ठेका ले रखा था कि हमने रील्स और फोटोज ही खींचे हैं, खाना खाया है और खूब इंजॉय किया है। हम यहाँ गरीबों की तरह देखते रहो कि इनको कब मिलेगा ये फाइनली झूला। यार इसका इंतजार बड़ा मुश्किल होता है। गाइस आपको अभी तक अगर आपको वीडियो लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो। बहुत सही टाइमिंग है हमारी, हम जल्दी निकल भी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है और वहाँ का भी मैं ब्लॉग करूँगी, देखते हैं। अभी हम ना वो बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क है यहाँ पे, वहाँ पे जा रहे हैं। गाइस मतलब इतना प्यारा एक वो है ना यहाँ का, इतनी प्यारी वाइब है यहाँ की, ये देखो है ना। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, पूछते पूछते जाएंगे,
कहाँ पर है? ये है वो कैफे, यहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हैं, मतलब अलग से उसके चार्जेस होते हैं। ये देखो, देखिए एंट्री यहाँ से, हमें वहाँ नहीं जाना है। वो देखो वो रहा आपका सरप्राइज। ये जो एडवेंचर है ना बच्चों के लिए, 12 साल से जो कम बच्चे हैं ना उनके साथ एक अडल्ट जा सकता है, बाकी और कोई नहीं जा सकता यहाँ पे। तो हमारी सिम्मी तो अभी 7 इयर्स की है। चलो चलते हैं। अगर आपका 12 साल से नीचे का बच्चा, छोटा बच्चा आपके साथ है ना, तभी आप उधर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। लेकिन झूलना नहीं है। चलो यहाँ से शायद टिकट मिलेगा। एक और चला जाएगा इनके साथ, उसका भी टिकट होगा ना, वो 11 इयर्स लेके जाओ ना। 20 रुपए आपको मेरे पास खुले नहीं है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेरे पास तो मिल जाएगा। तो हिबा जा रही है, ये चली जाएगी। जाओ जाओ फिर, जाने दे, ले फोन ले जा फिर, अंदर शूट करके आइयो, इसके बाद मिलते हैं। इसके पास फोन दे रही हूँ मैं, अंदर शूट कर लेगी। एक्साइटेड? दोनों आ गई हैं। कैसा लगा वहाँ पे जाके? बहुत अच्छा, अलग अलग है, मतलब वो 12 साल तक के बच्चों की एंट्री है, 12 साल तक के बच्चों को ही मजा आया इसको नहीं। यहाँ पे मेरी बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर भी मिल गई थी, हानिया और क्या नाम था उसका। तो आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, और कहीं पर भी आपको मना नहीं है कि आप कहीं पर भी बैठे खाएं पिएं कुछ भी करें, ऐश करें और क्या। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और यहाँ का एड्रेस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप यहाँ पे जरूर आना। और जिन लोगों ने भी मुझे सुंदर नर्सरी के बारे में सजेशन दिया था उन लोगों के लिए थैंक यू, ऐसे इल्मा का यहाँ आने का था ही, बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर एक जने का नाम नहीं ले सकती किसने सुंदर नर्सरी बोला था, बहुत सारे लोगों ने बोला था। तो क्या करना है सिमी, कि अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बतानी है आपको कि हम और कहाँ जा सकते हैं दिल्ली में ऐसी, और कौन सी जगह है। आपको आपको क्या करना है, हमें जगह बतानी है और हम वहाँ विजिट करेंगे और हम बताएंगे कि यहाँ आके कैसा लगता है। आपने जो लास्ट क्लिप देखी जो बच्चे घूमने आए थे ना, वहाँ पे सिर्फ 20 रुपए का था, है ना, 20 रुपए का था। और जो अडल्ट है ना, जो अडल्ट जाएगा उसके साथ बच्चे के साथ, उसका कोई टिकट नहीं है, मतलब है ना। लेकिन बच्चे के साथ कोई बड़ा जाएगा, उसका कोई फायदा भी नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों का खेलने का है। लेकिन एक झूला बड़ा भी झूल सकता है साथ। हाँ वो बस इसलिए कि बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई होना चाहिए। आप लोगों को कमेंट करना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलिए बाय बाय कर दो। बाय गाइस।